हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर क्लास फ्यूचर बिल्डर तो ये हमारा बायो का पार्ट चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस तो जिसमें अब हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ रहे हैं मैंने बता दिया कि हमारा हर्ट कैसे काम करता है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको लिंक दे दूंगी प्लीज़ उसे जाके चेकआउट करें अब हम पढ़ेंगे कि कैपलरीज तक हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में और कैपलरीज़ के अंदर और क्या चीज़ होती है लिम्फ क्या होती है लिम्फ कैपलरीज़ क्या होती है प्लेटलेट्स क्या होते हैं है? है? वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँगी तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है लिम्फ कि लिम्फ क्या होते हैं तो लुक हेयर लिम्फ द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल स्केप इन टू इंटर सेलुलर स्केप इन द टिश्यू टू फॉर्म टिश्यू फ्लूड और लिम्फ मतलब जो हमारे कैपलरीज़ होते हैं कैपलरीज यहाँ पे है आपको दिखाती हूँ ये रहे हमारे कैपलरीज तो जो कैपलरीज़ है तो कैपलरीज़ में पोर्स होते हैं मतलब कैपिलरीज़ का जो दीवार होते हैं उसमें छेद होते हैं जिसमें से जो प्लाज्मा होते हैं जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा होते हैं प्रोटीन होते हैं वाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो आपकी कैपलरीज़ जो है वो हमारे ऑर्गन में होते हैं तो ऑर्गन के जो सेल होते हैं और जो कैपलरीज़ जो नसें उनके पास से क्रॉस करती है तो उन दोनों के बीच में जाके ये लिम्फ भर जाता है मीन्स जो फ्लूड जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन और वाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल नहीं वाइट ब्लड सेल हमारे कैपलरीज़ और सेल के बीच के स्पेस में जाके भर जाते हैं तो उस टिश्यू फ्लूड को हम कहते हैं लिम्फ तो लिम्फ़ और ब्लड में क्या अंतर है तो आप बोलिए कि जो ब्लड है वो रेड ब्लड सेल कैरी करता है लेकिन जो लिम्फ है उसके पास रेड ब्लड सेल नहीं होते इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन ये कलरलेस क्यों होते है? क्योंकि इनके पास रेड ब्लड सेल नहीं होते तो ये प्लाज्मा की तरह होता है कलरलेस और ये प्रोटीन बहुत ही कम कंटेन करता है क्योंकि जो उनके बीच में जो स्पेस रहती है जो पोर्स की जो छेदे छेद होती है वो बहुत ही छोटी होती है जिसमें लार्ज जो जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाले सब्सटेंस नहीं जाते हैं सेल और कैपलरीज़ के बीच में फ्लूड बनने लिम्फ बनने सिर्फ छोटे छोटे जो प्रोटीन के दाने होते हैं वो जा जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाती हूँ एज यू कैन सी यहाँ पे पोर्स है ये हमारा ये हमारा कैपलरीज़ है और यहाँ पे जो पोर्स है ये बहुत ही छोटे होते हैं यहाँ पे खाली स्पेस है और ये जितने भी ये येलोइस पार्ट है वो हमारे लिम्फ है तो जो हमारा कैपलरीज़ होता है इसके जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत ही माइन्यूट से होते हैं जिसके थ्रू हमारा प्लाज्मा प्रोटीन वाइट ब्लड से बाहर जाता है और इस सेल और कैपलरीज के बीच में जाके फिल हो जाता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं तो जो लिम्फ है लिम्फ जो प्रोटीन लेता है प्लाज्मा लेता है और कुछ ब्लड uh, सेल भी लेते हैं तो जिसकी वजह से जो हमारे ब्लड में लिम्फ की कमी हो जा ये प्रोटीन की कमी हो जाती है प्लाज्मा की कमी हो जाती है तो ये डिसऑर्डर है लेकिन इसमें छेद क्यों बना यहाँ से लीकेज क्यों हो रही है तो इसलिए होती है क्योंकि जो ब्लड है वो हमारे यहाँ सेल को डायरेक्ट ग्लूकोज़ पहुँचा सकता है इस पोर्स के थ्रू कैपलरीज़ के वॉल के थ्रू जो ब्लड है वो हमारे सेल को डायरेक्ट ग्लूकोज देता है और जैसे कि जो हमारा सेल है जो हमारे ऑर्गेन्स के सेल होते हैं वो सी ओ टू ब्लड में डालते हैं तो वो तो ठीक है लेकिन जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन वगैरह वो हमारे इसके थ्रू इंटर करते हैं तो इसीलिए यहाँ पे पोर्स का यूज है इसीलिए पोर्स यहाँ पे होते हैं लेकिन डिमेरिट ये है कि ये तो हमारा प्लाज्मा ले निकाल ले रहा है ब्लड से प्रोटीन निकाल ले रहा है तो ये हमारे ब्लड की फ्लो को भी स्लो कर देता है कि, आ, कि वो फोर्स नहीं कर पाता है क्योंकि उसका बहुत सारा इंग्रेडिएंट लिम्फ के फॉर्म में हमारे ब्लड से बाहर निकल आता है तो इस जो हमारे ये लिम्फ है तो ये वापस कैसे हमारे ब्लड में जाएंगे और सोचिए जब यहाँ पे ढेर सारा लिम्फ भर जाएगा तो वो हमारे सेल को प्रेस करेगा प्रेस करता है जिसकी वजह से एक डिज़ीज़ होती है जिसमें हाथ पर स्वेल हो जाते हैं क्योंकि लिम्फ हमारे ये वेसल्स और सेल के बीच में ढेर सारा भर जाता है तो इसके लिए जो ये लिम्फ़ को रिमूव करने के लिए हमारे बॉडी में होते हैं लिम्फ कैपल लिम्फ़ेटिक कैपलरीज जिसका काम है कि यहाँ से लिम्फ को रिमूव करना और वापस ब्लड में पहुंचा देना तो लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटर सेलुलर स्पेस विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स डैट ओपन्स इनटू द लार्ज वीन्स जो हमारा लिम्फ है उसके बाद वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाता है जो कि इंटर मोलिकुलर स्पेस से निकलता है मीन्स इंटर मोलिकुलर स्पेस से लिम्फेटिक कैपलरी सारे लिम्फ को अपने अंदर ले लेता है उसके बाद ये ज्वाइन करके एक लंबा सा नस बनाता है लंबा सा वेसल बनाता है जो कि जाके वेंस में जाता है वेंस जैसे जानते हैं ये हमारा आर्टरीज है तो ये हमारा वेंस है तो आप सोचोंगे कि और ये जो ग्रीन पार्ट दिख रही है आपको ये हमारा है लिम्फ वेसल जिसे हम लिम्फेटिक कैपलरीज कहते हैं तो ये इसमें हमारे अर्डरीज़ में इसलिए नहीं जाता है क्योंकि इसका वॉल जो होता है वो बहुत थिक होता है थिक इसलिए होता है कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ से जो इस सेक्शन से हमारा जो ब्लड है वो पंप आउट होता है बहुत ही हाई प्रेशर में ताकि हमारे सारे बॉडी में पहुँचे सारे ऑर्गन्स में पहुँचे इसलिए यहाँ का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है अगर ये कैपलरीज इसके अंदर खुलेगा तो ये इतना इसका फोर्स रहता है कि इसे वापस भेज देगा इसीलिए ये लो प्रेशर एरिया में जाता है जो कि वेंस में है तो वेंस में जाता है ये और वहाँ पे जाके जो हमारा प्लाज्मा निकला है जो प्रोटीन निकला है उसको वापस ब्लड में दे देता है और नाइट्रोजन वगैरह को जाके लंग्स में पहुँचा के उसे हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है तो इस थ्रू ये काम करता है अब आगे देखिए लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एबजॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्रूट फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस पैक इन टू द ब्लड मीन्स जो लिम्फ है वो हमारा फैट भी एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन की जो फैट होते हैं वो ब्लड में मिल जाते हैं लेकिन जो छोटे छोटे फैट्स होते हैं ना वो उस पोर से निकल जाते हैं तो उस पोर से निकल के लिफ में मिल जाते हैं तो लिफ अपना वही आ, इंटर स्पेस में जो हमारा कैपिलरीज है लिम्फेटिक कैपिलरीज उसमें जाता है फिर वापस हमारे ब्लड में बैक आ जाता है विन्स के थ्रू तो ये हमारा लिम्फ था और लिम्फ कैपिलरीज सब समझ गए कि लिम्फ और लिम्फ कैपिलरीज क्या होते हैं लिम्फ कैपिलरीज का लिम्फेटिक कैपिलरीज का, का काम क्या होता है कि जितने भी जो हमारा लिम्फ निकला था लिम्फ के अंदर जो हमारा प्रोटीन पाया जाता है प्लाज uh, प्लाजमा पाया जाता है और और हमारा क्या पाया जाता है फैट पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही हेल्पफुल होता है लेकिन वो कैपलरीज के थ्रू बाहर निकल जाता है जिसमें ब्लड की इसकी कमी हो जाती है तो वो लिम्फ लिम्फेटिक कैपलरीज वो सारे लिम्फ को कलेक्ट करता है और वापस वेंस के थ्रू जाता है वेंस में छोड़ता है और वो हमारे ब्लड में वापस आ जाता है लंग्स की तरफ जाता है वहाँ पर जाकर रेस्ट ऑफ छोड़ देता है फिर हमारे ब्लड्स में प्रोटीन वगैरह सब वापस आ जाते हैं तो ये था लिफेटिक कैपलरीज का काम अब हम आगे पढ़ेंगे मेंटेनेंस पाइप प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स हमारा क्या मेंटेन करता है व्हेन वी आर इंजर्ड जब हम घायल हो जाते हैं हमें कुछ इंजरी हो जाती है चोट लग जाती है तो खून निकलना शुरू हो जाता है नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज तो नॉर्मल सी बात है जब ब्लड हमारे सिस्टम से निकलेगा तो हमें ब्लड की कमी होगी ब्लड की लॉस होगी लीकेज वुड बी लेड टू लॉस ऑफ प्रेशर विच लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रेड्यूस द इफिशेंसी ऑफ पम्पिंग सिस्टम जब लीकेज शुरू होगा जब आप सोचिए कि जब आपका बॉडी से जब ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा तो नॉर्मली सी बात है कि आपके जो अंदर का जो ब्लड जो हर्ट पम्प कर रहा है उसका प्रेशर कम हो जाएगा किसी भी चीज़ से आप सामान निकाल देंगे तो उसका जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है तो हमारे ब्लड का जो पंपिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा धीरे हो जाता है क्योंकि लीकेज हो रही है कहीं से पानी निकल रहा है तो जिसकी वजह से जैसे आप मान लीजिए जो पाइप से आप पानी देते हो पौधे में तो पौधे में कहीं छेद हो जाए तो आपका जो पाइप से निकलने वाला पानी का प्रेशर होगा वो नॉर्मल सी बातें कम हो जाएगा तो इसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स क्या करता है देखिए टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीक बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी तो इसको रोकने के लिए जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड के मीन्स ब्लड में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं जहाँ जहाँ ब्लड होगा वहाँ वहाँ प्लेटलेट्स होंगे तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं जहाँ से लीकेज हो रही है जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे जाके एक क्लॉटिंग करते हैं मीन्स वहाँ पे जाके लेयर बनाते हैं ब्लड के साथ ब्लड के अंदर रहता है इसलिए आपको खून जमा हुआ दिखता है लेकिन वो प्लाज्मा रहता है प्लेटलेट्स रहता है जो कि जाके वहाँ पे वॉल बनाता है जहाँ पे छेद है जहाँ पे कटी हुई है ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाए तो ये यहाँ पे था प्लेटलेट्स का काम सो so, तो आज के लिए बस इतना ही आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी कल हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसा होता है तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो और प्लीज़ आप पिछले वाला वीडियोस देखें तो जाके आपको बहुत ज़्यादा ही क्लियर होगा ये थैंक यू